नमस्कार, मैं हूं सोनित चौरेर। आप देख रहे हैं जय भूमि पुत्र लाइव न्यूज। आइए आपको रूबरू कराते हैं आज की कुछ खास खबरों से। मध्य प्रदेश सरकार एक तरफ शिक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है, जगह जगह प्राथमिक शाला से लेकर हाई स्कूल बनवा रही है, प्रत्येक 5 किलोमीटर पर हाई स्कूल का भवन मिल जाए, परंतु मध्य प्रदेश सरकार भवनों में मात्र छात्र छात्राएं बैठे हुए। कुछ ऐसे ही माजरा नरसिंहपुर जिले के तहसील तेंदुखेड़ा के ग्राम हीरापुर निवास नवीन हाई स्कूल में देखने को मिला। यहाँ भवन है, छात्र छात्राएं, पर स्कूल में पढ़ाने वाला कोई नहीं है। जिस तरह कीचड़ में स्कूल के सामने से निकल के जाते हैं छात्र छात्राएं, जब हमने छात्र छात्राओं से जानना चाहा तो उनका साफ तौर पर यही कहना था कि जब स्कूल में टीचर नहीं है, हम खुद ही आते हैं और पढ़ के चले जाते हैं। स्कूल में ना ही बिजली की व्यवस्था है, ना ही शौचालय है, ना ही यहाँ का कोई नल चल रहा है, जो कि जहाँ पे आप सामने देख सकते हैं हमारी अंदर जो कीचड़ है, इसी कीचड़ में से बच्चे यहाँ से निकल के जाते हैं। अम्ब्रेला की स्पेलिंग आती है? कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? अम्ब्रेला की स्पेलिंग नहीं बनती आपसे? मैडम सर आपको पढ़ाते नहीं हैं? आपके साथ में इतने बच्चे बैठे हैं, आप कैसे पढ़ाई करती हैं? बच्चों की व्यवस्था के लिए शासन के निर्देश अनुसार अतिथि की व्यवस्था हो गई है। पैनल आज आ गई है, 31 तारीख तक 2 दिन में वहाँ पर सभी सब्जेक्ट की अतिथि की व्यवस्था हो जाएगी। 9th की जो स्ट्रेंथ है वो सभी मतलब न्यू एडमिशन और फेलियर उसको मिला के 49 की संख्या है। 50 थी वो निकल गए और 10वीं में 65। ये आपकी कौन सा स्कूल है? ये नवीन हाई स्कूल है। आपके यहाँ बच्चों ने शिकायत की है कोई, अभी तक कोई टीचर उनको पढ़ाने के लिए नहीं आता? हाँ सर, चूंकि क्या है ये स्कूल शिक्षक विहीन था, अभी मैं अंतर निकास मीडियम के ट्रांसफर में यहाँ आया हूँ और अतिथियों की जो प्रक्रिया है चॉइस ट्रेनिंग की वो चल रही है और उसकी जब सूची बन जाएगी फाइनली तो फिर जिसका भी चयन होगा वो आएगा। और सुनिए ग्राम हीरापुर के स्कूलों की स्थिति। माध्यमिक शाला और प्राथमिक शाला में देखने को मिला कक्षा पहली से लेकर कक्षा 5वीं तक के छात्र छात्रा एक ही रूम में बैठकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। स्कूल प्रधान पाठक से जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि कक्षा पहली से 8वीं तक सिर्फ 2 टीचर हैं और स्टाफ की कमी होने के कारण यहाँ की व्यवस्था गड़बड़ है। ऐसी स्थिति में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।